जनपद मुरादाबाद में पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करने के लिए काम कर रही है। मुरादाबाद के थाना पागबड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 50,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का ये कहना है कि इसके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं और ये काफी समय से फरार चल रहा था। मुरादाबाद जनपद के पागबड़ा थाना क्षेत्र स्थित गुरैठा गांव में बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से करीब आधा घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मुठभेड़ में दिल्ली का 50,000 रुपए का इनामी बदमाश गोली से घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पागबड़ा थाना क्षेत्र के गुरैठा में एसपी सिटी अमित कुमार आनंद को देर रात सूचना मिली कि कुछ बदमाश बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। इंस्पेक्टर पागबड़ा रजनी द्विवेदी और एसओजी की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन करके बदमाशों की घेराबंदी शुरू की। इसी दौरान बदमाशों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए फायरिंग की। इस दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम अजय उर्फ गंजा निवासी पहाड़गंज दिल्ली बताया। एसपी सिटी ने बताया कि अजय उर्फ गंजा पर दिल्ली पुलिस द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हत्या के मामले में वो फरार चल रहा था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। ये रात को लगभग 9:30 बजे एक अपराधी की सूचना थी। इसमें थाना पागबड़ा की टीम, एसओजी की टीम और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की भी टीम लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, वो रुके नहीं, जिसकी तरफ से फायर आया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें ये बदमाश घायल हुआ। ये बदमाश है अजय उर्फ गंजा, ये दिल्ली पहाड़गंज का रहने वाला है। ये 2018 में 302 का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें ये 50,000 का इनामी है सदर बाजार थाना से। इसको मौके से गिरफ्तार किया गया है, अभी इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पास है एक तमंचा, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किए गए हैं। साथ में एक मोटरसाइकिल जो घटना में